आदरणीय मध्य प्रदेश के सभी वासियों, निवासियों, दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पिछले 15 साल में 1 लाख बार कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा और गेहूं समर्थन मूल्य से भी नीचे 2100 से भी नीचे, यही मुख्यमंत्री है जिन्होंने कहा था मैं मिट्टी भी 2200 रुपये खरीद लूंगा। अब 1800, 1700, 1500 रुपये मंडियों में गेहूं बिक रहा है। साथियों, जो कहा वो किया नहीं और जो कह रहे हैं वो कर नहीं सकते, क्योंकि हम 20 साल से शिवराज सिंह जी के कार्य करने की शैली को देख रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने 13 तारीख को सभी प्रदेशवासियों से, कांग्रेस जनों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, हमारे मंडल सेक्टर अध्यक्षों से, जितने जनपद, जिला पंचायत और सरपंच के चुने हुए लोग हैं उनसे, जो विधायक हैं उनसे भी और जो विधायक लड़ना चाहते हैं उनसे भी, सारे जिला अध्यक्षों से आह्वान किया है कि प्रदेशवासियों को लेकर भोपाल राजभवन के घेराव में पहुंचे। साथियों, 3000 रुपया क्विंटल गेहूं मिलना चाहिए, बिकना चाहिए, किसान की आय तभी दुगनी होगी। इस भाव को हम सबको जीना चाहिए। क्या हुआ 1 लाख के पदों का, क्या हुआ 1 लाख नौकरियों का, क्या हुआ किसानों के इनकम दुगनी करने का, क्या हुआ व्यापम और पीएससी के एग्जाम्स का? ऐसे कई सवाल हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह जी से करने हैं। साथियों, इन सब बातों को लेकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में 13 तारीख को हम सबको भोपाल ज्यादा से ज्यादा ताकत में आनी है। मुझे पता है पुलिस जगह जगह रोकेगी, मुझे पता है बैरिगेट्स लगेंगे, मुझे पता है षड्यंत्र रचे जाएंगे, तब भी आप सबको पहुंचना है और शांति से पहुंचना है, विनम्रता से पहुंचना है। अहिंसा और गांधी जी के रास्ते से हम विरोध करेंगे। निलंबन इनका हथियार है, मुझे निलंबित करके ये सबको डराना चाहते हैं, पर आपका सहयोग हमारा हथियार है। तो आप सब आए और 13 तारीख को इस सरकार की जो अहंकार है उसके खिलाफ हम सब खड़े हो। आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर हम सब मिलकर 13 तारीख को भोपाल चले, भोपाल आए और इस सरकार की चूल हिलाएं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।